और अब बात मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के उस बयान की जिसके बाद पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अखंड भारत की बात कही और इस पर पाकिस्तान ने तो विरोध जताया ही, कांग्रेस भी आपत्ति दर्ज करा रही है। सीएम का बयान क्या है और उस पर क्यों मचा है बवाल, आइए आपको दिखाते। परमात्मा करेगा आज नहीं तो कल हम वापस देश एक करेंगे, अखंड भारत फिर बनाएंगे, सिंध पंजाब बल्कि अफगानिस्तान तक हमारा वापस भारत कोई बने। सीएम मोहन यादव के इस बयान पर पाकिस्तान में हड़कंप है। एक कार्यक्रम के दौरान सीएम ने कहा था कि हिंदुस्तान के खंडित होने पर पाकिस्तान बना है, परमात्मा करेगा तो आज नहीं तो कल हम फिर से देश को एक करेंगे, अखंड भारत बनाएंगे। सीएम के इस बयान से पाकिस्तान चिढ़ गया है। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बयान जारी कर विरोध जताया है। देश में भी इस बयान को लेकर सियासी बयानबाजी हो रही है। सीएम मोहन यादव के बयान पर किसने क्या कहा, ये जानने से पहले आइए सुनते हैं वो बयान जिसमें सीएम ने अखंड भारत का किया था आह्वान। इसी प्रकार से जो 47 में हमारे हाथ से सिंध का जाना हुआ, पंजाब का बंटना हुआ, पाकिस्तान का बनना हुआ, हिंदुस्तान को खंडित होना हुआ, परमात्मा करेगा आज नहीं तो कल हम वापस देश एक करेंगे, अखंड भारत फिर बनाएंगे, सिंध पंजाब बल्कि अफगानिस्तान तक हमारा वापस भारत कोई बने, हमारी सबकी कामना परमात्मा ननकाना साहब हमारी आंखों के सामने हो, ये समय हमारे सामने आए। हम सब आज के अवसर पर भगवान राम के मंदिर का बनना ये हमारे लिए निश्चित रूप से अखंड भारत की दिशा में एक बड़ा कदम हो, ये परमात्मा की इच्छा है। इस बयान पर पाकिस्तान की आपत्ति पर सीएम ने पलटवार भी किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान लाख आपत्ति जताए लेकिन विस्थापित शरणार्थियों के आने से पहले अखंड भारत भी था। अतीत के अखंड भारत के हिस्से को लेकर आज भी पंजाब सिंध गुजरात मराठा हमारे राष्ट्रगान में है, आपत्ति करने से बात समाप्त नहीं हो जाएगी। पाकिस्तान लाख आपत्ति जताए, हम सब जानते हैं कि सिंध से जो विस्थापित लोग यहाँ आए शरणार्थी आए उसके पहले तो अखंड भारत था ही, तो ननकाना साहब सहित जो हमारे अपने अतीत के अखंड भारत के हिस्से अगर रहे उनको लेकर के तो हमारे लिए आज भी हमारा राष्ट्रगान में हम पंजाब सिंध गुजरात मराठा सिंध को अलग थोड़ी छोड़ सकते हैं। तो स्वाभाविक रूप से जब अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर का एक तरह से प्राण प्रतिष्ठा हुई है और उस अवसर पर हमारा सांस्कृतिक अखंड भारत का सपना हजारों हजार साल से रहा है तो कोई की आपत्ति करने से वो बात समाप्त तो नहीं हो जाएगी, वो तो अपनी जगह स्थायी रहेगी। सीएम मोहन यादव के इस बयान पर पाकिस्तान को मिर्ची लगी ही है। कांग्रेस ने भी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि सीएम को अंतर्राष्ट्रीय मामलों में बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी के अखंड भारत और उसमें अफगानिस्तान तक को छूने की सीमा वाले बयान पर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का बयान आना दुखद है और यह भी सच है कि डॉक्टर मोहन यादव साहब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव नहीं। उन्हें मध्य प्रदेश की सीमाओं में रहकर अपनी बात करनी चाहिए। कांग्रेस की आपत्ति पर बीजेपी ने पलटवार किया है और कहा है कि मोदी के राज में कुछ भी असंभव नहीं, जैसे मंदिर बना, धारा 370 और 3 तलाक हटा, ये सपना भी पूरा होगा। मुख्यमंत्री जी ने आज कहा है कि परमात्मा चाहेगा तो एक न एक दिन अखंड भारत बनेगा। अब कांग्रेस सवाल उठा रही कि अखंड भारत बन नहीं सकता, भाजपा झूठे सपने दिखा रही। अरे मोदी जी और भाजपा की सरकार जब से देश में बनी कुछ भी असंभव नहीं, हर सपने को पूरा करने का काम मोदी सरकार ने किया है। देशवासी ने जो सपना देखा, जो चाहा, उसे पूरा करने का काम किया है। हम कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे तो कांग्रेस कहती थी तारीख नहीं बताएंगे, हमने तारीख भी बता दी 22 तारीख। हम कहते थे धारा 370 हटाएंगे तो ये कहते थे सपने दिखा रहे, हमने हटा के बता दी। हम कहते थे 3 तलाक हटाएंगे, जब भी ये स्वीकारते नहीं थे। तो जो जो कहा है भाजपा ने उसको पूरा करके दिखाए। यदि मुख्यमंत्री जी ने कहा है तो देश में मोदी जी की सरकार है, हर संभव काम को संभव करके दिखाती, एक न एक दिन भारत अखंड भारत बनेगा और जो हर भारतवासी का सपना है वो पूरा होगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, संघ प्रमुख मोहन भागवत समेत कई हस्तियां अखंड भारत की बात कह चुकी हैं और अब मोहन यादव ने भी अखंड भारत की अलख जगाई है।
सीएम के बयान पर सियासी घमासान छिड़ा है, पाकिस्तान तो विरोध जता ही रहा है, कांग्रेस भी सवाल उठा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।